स्वागत करुची आपण मानकु मॅडम विश्वरंजितांक गुड टू टीच कु आजर आलोच्य विषयवस्तु हैला ओडिया व्याकरणर वर्णमाला आमे ओडिया व्याकरण को जीवा आगरु ओडिया व्याकरणर सर्वनिम्न विभाग हैला वर्णमाला को जाणी नेबा वर्णमाला ठारु ही आरंभ होइथाय ओडिया व्याकरण अपेक्षा काकी करबा आरंभ करिनेबा आजर पाठ्य विषयवस्तु को ताहले आमे देखिनेबा ओडिया रे कहा को वर्णमाला कहंती प्रथमे वर्णमाला को जीवा आगरु आमे आलोचना करिनेबा वर्ण कहा को कहंती टिके धळाबोर्ड को नजर पकेबा धळाबोर्ड रे लेखा जायथिबा वर्णर परिभाषाटी हैला भाषार छोट खंड को आम वर्ण बोली कही था। हाँ दर्शक बंधु जेपरी आम क ट क बा क ट कटक लेखिला बेले क ट क एपरी एक एक वर्ण लिखि था जो थ्रु कि क गोटे वर्ण ट गोटे वर्ण आउ क गोटे वर्ण होता है तेल आम आलोचना करे वर्णमाला क्या कहती एकाधिक वर्णर समाहार को आम वर्णमाला कही था वर्ण मानक समष्टि को वर्णमाला कही था अर्थक अर्थ कटकटी हूँ गोटे वर्णमाला से हीपरी आम वर्ण ओडिया वर्णमाला को जपरि कर आलोचना जोटा आम इंग्राजी में कही था आल्फाबेट तो इंग्राजी में जोटा को आम आल्फाबेट कहे ओडिया तामर वर्णमाला इंग्रजी जेपरी अल्फाबेट ए बी सी डी लिखा जाता है ओडिया रे सेई परी वर्णमाला अ वा हर्षे दीर्घ करी लिखा जाता है ताहले आमर ओडिया वर्णमाला को आमे दुई भाग रे विभक्त कहिचे जहाँ आमर स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण ताहले आमे स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण को आलोचना करिनेबा संक्षिप्त रे तो स्वर वर्ण आमे कहा को कहिबा बिना अवरोध रे उच्चारित हेउथिबा आमर वर्ण को आम स्वर वर्ण कही बिना अवरोध रे जेतेबेले आम स्वर वर्ण उच्चारण करते आम कंठ रु कौन अवरोध हो न था स्वर वर्ण टी हूँ आम वर्णमाल एगारटी आमर स्वर वर्ण होगारटी एवं व्यंजन वर्ण हो अणचाशी सर्वमोट आमर वर्णमालार वर्ण संख्या हूँ पचास टी ताले आम स्वर वर्ण रे क्यों क्यों वर्ण को रखी तेणु स्वर वर्ण रे थिबा वर्ण गुड़िक हैला अ आ ई उ रु ए ऐ ओ औ आमे पिला बेले 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 आमे दुईटी रु रो व्यवहार करथिबा किंतु वर्तमान स्वर वर्ण रे गोटिए रु को ही आमे नबा तेणु आमर स्वर वर्ण रे रहिला अ आ हर्षै दीर्घै हर्षौ दीर्घौ गोटिए रु ए ऐ ओ औ एही परि भावरे 11 टी आमर स्वर वर्ण सेही परि आमर व्यंजन वर्ण होजे अणचाशी से जो व्यंजन वर्ण अणचाशी आम विभागीकरण अलग अलग होमर व्यंजन वर्ण को आम तीन भाग में विभक्त करे गोटे है वर्ग व्यंजन आउ गोटे है अवर्ग व्यंजन आ शेषटी है उष्म व्यंजन आमर वर्ग व्यंजन में आम रहा क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग एवं प्रत्येक वर्ग पांच पांचटी आमर वर्ण विशिष्ट क ख ग घ उ क वर्ग जोटा कि कंठरु आसी थाए कंठ वर्ग से हीपरि च छ ज झ नि च वर्ग जोटा आमर तालव्य वर्ग बोली कहती ट ठ ड ढ ण ट वर्ग जोटा आमर मूर्धन्य वर्ग बोली कहती त थ द ध न त वर्ग जोटा दांतव्य वर्ग बोली कहती प फ ब भ म होची प वर्ग जोटा को ओष्ठ वर्ग बोली कहती एहिपरि बावरे आमर वर्ग व्यंजन होची पचीस टी से हीपरी भाव में आम आसवा अवर्गीय व्यंजन में किए किए जाऊँगी तो से आमर अच्छी एपटे आम देखने आम ये मरे सारी ज र क्ष य ल अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एपटे देखु धारावाहिक भाव में ये म जीय रिय एटी आसला आम तालेवेश मुदिनेश दंतेश ये आसला ह क्ष य ल तापरे ओ तापरे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु तेणु एटी आमर आसला अवर्ग व्यंजन में ज र ल ओ क्ष य ल अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु यहीपर भाव में दस टी अवर्ग व्यंजन रही भाव में आउ जो बड़काटा रहीगला तालवेश मुदिनेश दंतेश ह यही चारोटी को आम उष्म व्यंजन वर्ण बोली कहचे यहीपर भाव में सर्वमोट व्यंजन वर्ण संख्या 39 बा 39 एवं स्वर वर्ण संख्या 11 यहीपर सर्वमोट है वर्णमाला है आमर 50 टी यहीपर भाव में आम कह जे हर्ष जो आम स्वर वर्ण टी आम कहीचे बिना अवरोध में उच्चारित होता है से हीपर आमर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर यही भाव में स्वर वर्ण टी दुई भाग व्यक्त होती जो हर्ष स्वर आम टोटाल ने 11 टी
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି ଆ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଁ ନେଇଛି ଏହା ହେଉଛି ହର୍ଷସ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ତାପରେ ରହିଗଲା ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯାହା ସାତଟି ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ସାରାଂଶଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କହିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିବା ତାପରେ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଭାଷାର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ ଟ କ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆମେ ଦୁଇଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ 39ଟି ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 50 ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 2 ହର୍ଷସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ 3 ବର୍ଗ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।